प्रदेश में भूजल स्तर को कम होने से रोकने के लिए अब एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी, जहां खेतों में अब जमा होने वाले अधिक पानी और बाढ़ के पानी को भी सहेजा जाएगा। एक और जहां लगातार भूजल स्तर कम होने से रोकने के लिए धान की जगह दूसरी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मेरा पानी मेरा विरासत जैसी योजनाएं लागू की गई थी, वहीं दूसरी ओर अब खेतों में जमा होने वाले अधिक पानी और बाढ़ के पानी को भी सहेजा जाएगा, जिसके लिए खेतों में सिंचाई विभाग द्वारा रिचार्ज शॉफ्ट लगाए जाएंगे। ये शॉफ्ट प्रदेश में पहले उन जगहों पर लगेंगे जहां भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे है। इसके लिए करीब 1000 शॉफ्ट लगेंगे और सबसे ज्यादा ये शॉफ्ट कुरुक्षेत्र में लगाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र में जहां जल स्तर नीचे गिर रहा है, उन क्षेत्रों में इस तरह के 590 रिचार्ज शॉफ्ट सिंचाई विभाग की ओर से लगाए जाएंगे। इन रिचार्ज शॉफ्ट के माध्यम से खेतों में 20x22 का चैम्बर बनाकर उसमें ग्रेवल, बजरी और कोरसेंट की 3 परतों से पानी को गुजारकर रेत की पहली सतह तक 125 फीट पर पाइप को छोड़ा जाता है, ताकि ओवरऑल फ्लो हो रहे खेतों का पानी तेजी से रेत की सतह में जाए, जिससे भूजल स्तर ऊपर आ सके। आपको बता दें, ये रिचार्ज शॉफ्ट उतना ही पानी जमीन में भेजता है जितना एक ट्यूबवेल धरती से निकालता है। ये रिचार्ज शॉफ्ट का डिजाइन चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी हिसार और केंद्रीय भूजल परिषद चंडीगढ़ द्वारा तैयार किया गया है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों के खेतों में ये रिचार्ज शॉफ्ट सिंचाई विभाग की ओर से निःशुल्क लगाया जाएगा। खेतों में आने वाला बाढ़ का पानी सॉफ्ट के माध्यम से जमीन पे चला जाएगा, ऐसे में खेतों से ओवरफ्लो पानी भी उतर जाएगा, जिससे फसलें भी बर्बाद होने से बचेगी और भूजल स्तर भी ऊपर आ जाएगा।